लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी के बाद अब बसपा ने भी धीरे धीरे अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुरक्षित सीट आगरा से नए चेहरे पर दाव लगाया है, जबकि स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं जताया। यूपी में बसपा ने अकेले चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है और किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है, इसलिए यूपी की 80 सीटों को लेकर बसपा फूंक फूंक कर अपने कदम रख प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रही है। शुक्रवार को बसपा ने आगरा सीट से पूजा अमरोही को अपना प्रत्याशी बनाया। बसपा ने यूपी लोकसभा के लिए ये 8वां उम्मीदवार मैदान में उतारा है। इससे पहले बसपा ने 7 उम्मीदवारों के नाम पर भी मुहर लगाई है, जिसमें 5 उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूजा अमरोही कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य रही सत्या बहन की बेटी हैं। वैसे तो आगरा लोकसभा सीट पर इस समय बीजेपी का कब्जा है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल यहां से मौजूदा सांसद हैं और बीजेपी ने फिर से एसपी सिंह बघेल को यहां से उम्मीदवार बनाया है। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन की तरफ से अब तक आगरा सीट से किसी भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।